session we discussed about types of computer network like man lan pan or wan and also we discussed topics like internet and world wide web today we are starting the new topic name is instant messaging you all know very well and using the lots of software application instant messaging but टूडे वी डिस्कस अबाउट द इंस्टेंट मैसेजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एंड इंस्टेंटियंस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स बेस्ड मैसेज मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ये एक ऐसी कॉम्युनिकेशन है जो आप लोग टेक्स बेस्ड कॉम्युनिकेशन कर सकते हो जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप में टैक्स मैसेज सेंड करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन एक ग्रुप में से मैसेज को कॉपी करके दूसरे ग्रुप में हम लोग फॉरवर्ड करते हैं इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर इंक्लूड द ऑप्शन फॉर परफॉर्मिंग फाइल ट्रांसफर ऑडियो चैट वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग शेयरिंग डेस्कटॉप एक्सेट इंक्लू शेयरिंग डेस्कटॉप एक्सेट्रा इंस्टेंट यानी कि हम लोग इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी चीज़ को यानी कि फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑडियो चैटिंग कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं शेयरिंग कर सकते हैं अपने कोई भी डेटाज़ को एक पीसी से दूसरे पीसी में यानी कि अभी व्हाट्सअप में तो आप लोग सभी लोग जानते हो यूज़ भी करते हो कि हम लोग अभी कितने लोगों के साथ एक साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं जैसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर वीडियो चैटिंग करते हैं सो अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट चैट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज़ वाइडली यूज फॉर पर्सनल एंड कॉमर्शल यूज़ सो नाव इज़ वी ऑलरेडी यूज इन द व्हाट्सअप फॉर बोथ द पर्सनल यूज एंड कॉमर्शियल यूज अगर हमें कोई भी चीज़ को भेजना है लेकिन हमारे पास व्हाट्सअप या ऐसी कोई चीज़ है ये आपके वीडियोस हम लोग अभी व्हाट्सअप में शेयर करते हैं आप लोगों को ताकि एक वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच जाए दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइल शेयरिंग इन दिस सेशन यू विल बी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग द स्टेप्स टू क्रिएट एन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट एंड ऑल्सो वर्क विथ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर यस आप सभी लोग अभी व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो उसमें आप लोग क्या करते हो अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने फ़ोन नंबर्स को यूज़ करते हो एज अ लॉगिंग के थ्रू अगर कोई भी मेल है यानी कि ई मेल आई डी है तो आप लोग उसके लिए क्या करते हो मेल आई डी क्रिएट करते हो तो उसके साथ उसी को आप लोग कम्युनिकेशन के थ्रू यूज़ कर सकते हो अनलाइक ई मेल

अगर वो मैसेज अगर वो पर्सन ऑनलाइन है तो वो रियल टाइम ऑन द स्पॉट सामने वाले पर्सन को वो मैसेज मिल जाएगा और वो पर्सन आपको रीड करके उसका जो भी रिप्लाई देना है या फिर आप लोगों कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड किए हैं तो वो उसको देख के उसको मिस के समझ में आ जाएगा अदरवाइज या फिर अगर वो पर्सन ऑफलाइन होगा तो वो मैसेज उसको सेंड तो हो जाएगा लेकिन जब तक वो पर्सन ऑन नहीं होगा तब तक वो मैसेज उसके ऑफलाइन मैसेज में चला जाएगा यानी कि दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑफलाइन मैसेजेस जैसे कि अभी नाव इज व्हाट्सअप इज अ बेस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर क्यों अगर हमने किसी को मैसेज सेंड किया है सामने वाला पर्सन यानी कि ऑनलाइन होगा तो तुरंत उसको मैसेज मिल जाएगा वो हमें सभी को पता चल जाएगा कि वो पर्सन ऑन ओन है ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है कैसे जैसे कि हम लोग टिक मार्क को यूज़ करते हैं इज़ अ राइट टिक मार्क अगर सिंगल टिक मार्क आया दैट मीन्स वो पर्सन अभी ऑन है लेकिन उसको मैसेज नहीं मिला डबल टिक मार्क आ गया तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो मैसेज उसको रिसीव यानी कि उसको मिल गया है लेकिन अभी तक उसने वो मैसेज रीड नहीं किया है और अगर डबल टिक मार्क विथ ब्लू कलर आ गया यानी कि ब्लू कलर की साइन आ गई तो हमें पता भी चल जाए कि वो मैसेज उसको मिल भी गया है और उसने रीड भी कर लिया है नाउ सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग आर टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन सिमिलर टू एस एम जैसे हम लोग एक मैसेज को अगर एक किसी और पर्सन को भेजना है तो आप लोग इजिली उसको कॉपी करके उसको पेस्ट करवा सकते हो दैट इज नॉट कंपलसरी कि आप लोग उस मैसेज को एक ही पर्सन को भेजो इट्स अ मोर देन वन पर्सन यू कैन सेंड इट ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग जैसे आप लोग ऑडियो कॉल करते हो किसी पर्सन को कॉल करते हो साथ ही साथ आप लोग किसी पर्सन अपने फैमिली को या फिर फ्रेंड्स को कॉन्फ्रेंस में ले लेते हो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑडियो कॉलिंग सेम एज़ इट इज़ वीडियो कॉल एंड कॉन्फ्रेंसिंग फाइल ट्रांसफर नॉट लिमिटेड टू डॉक्यूमेंट्स स्प्रेडशीट ऑडियो फाइल्स वीडियो फाइल्स एक्सेट्रा अभी आप लोग व्हाट्सएप में कई सारी फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हो जैसे कि वर्ड फाइल एक्सेल फाइल पी डी एफ फाइल या फिर कोई भी आपकी वीडियोज़ है वो भी आप लोग अभी शेयर करते हो आपके फोटोज भी आप लोग शेयर करते, लो करते हो दैट इज मीनिंग ऑफ फाइल शेयरिंग एंड ऑल्सो मैसेज हिस्ट्री सेव मैसेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस यानी कि आप लोग जितने भी मैसेज आप लोग सेंड करते हो रिसीव करते हो सभी मैसेज आपकी अकाउंट में वो मैसेजेस क्या होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं और जब भी आपको प्रीवियसली मैसेज अगर देखने हैं बाद में तो भी आप लोग वो मैसेज को बाद में देख सकते हो सो so नाउ इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट पार्टिसिपेंट मैसेजिंग टू ईच अदर नीड टू बी साइंड इन द सेम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर अ यूजर मस्ट है वैलिड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट अगर मुझे व्हाट्सएप में किसी को मैसेज भेजना है तो सामने वाले पर्सन के पास भी वही सॉफ्टवेयर होना जरूरी है अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम लोग उस पर्सन को उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी मैसेज सेंड कर पाएंगे नहीं सपोज मेरे पास व्हाट्सअप है और सामने वाले के पास हाइक है तो वी आर नॉट चैट हम लोग उसके साथ चैट यानी कि कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे बट उसी के पास अगर सेम टू सेम सॉफ्टवेयर होगा तो वी कैन कम्युनिकेट विथ अनदर पर्सन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट डिफर्स फॉर्मेट सम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर सच इज याहू मैसेंजर विंडोज लाइव मैसेज इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज

कि हम लोग जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं व्हाट्सअप पे स्काई पे देन गूगल टॉक है यस ये सब भी क्या है इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड जो आपके कंप्यूटर में या फिर ऐसे डिवाइसेस में आप लोग इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हो और वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर यानी कि क्या कि कंपलसरी हमें उस पर लॉग इन होकर इंटरनेट एक्सप्लोर या मोजिला फायरफॉक्स का ब्राउज़र को यूज़ करके वो चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा नाउ फर्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन बेस्ड जी टॉक जी टॉक इज़ नाव अ डेज वी आर नोन अबाउट द हेंग आउट यस कि वो अभी कौन से नाम से जाना जाता है हैंगआउट के नेम से याहू मैसेंजर स्काइप विंडोज लाइव मैसेजर एंड रेडिफ बॉल एक्सेट्रा वेब बेस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज एक्सेस्ड यूजिंग द ब्राउजर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोर मोजिला फायरफॉक्स गूगल क्रोम एक्सेट्रा यानी कि अगर हमें वेब बेस्ट कोई भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है वो कंपल्सरी हमें ब्राउजर के थ्रू ही यूज़ करना पड़ेगा इसमें ब्राउजर कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हो ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर उसी के लिए उसका ही ब्राउजर चाहिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी यूज़ कर सकते हो मोजिला फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हो गूगल क्रोम को भी यूज़ कर सकते हो या फिर एनीथिंग एल्स जिसमें कई सारी ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप लोग इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो जिसमें फर्स्ट वन है मीबो याहू मैसेंजर फॉर द वेब एम एस एन वेब मैसेंजर आई एमओ and etc. Now creating an instant messaging account. In this thing you will be learn about the instant messaging account for using Google talk. Google talk is a nowadays is a hangout but student through this video it is clear to all that how to create an account on Google talk. Now we will learn How to use this app for chatting and what etiquettes that means behavior should be taken care while communication. So हम लोगों ने अकाउंट बनाना तो सीख लिया अब उस अकाउंट में जो भी पर्सन एक्टिव है ऑनलाइन है वो हमें कैसे पता चलेगा और उसके साथ हम लोग कैसे कम्युनिकेशन कर पाते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपके अकाउंट में जितने भी कॉन्टेक्ट होंगे वो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर दिखाई देंगे अगर कोई भी पर्सन ऑनलाइन होगा तो वो उसके नेम के आगे, आगे आपको ग्रीन कलर का डॉट दिखेगा ग्रीन कलर दैट मीन्स दैट पर्सन इज अ ऑनलाइन नाउ आप अगर उसके साथ अगर कम्युनिकेशन चैट करनी है तो उस पर्सन के यानी कि उसका जो जहाँ पर भी नेम या जो भी अकाउंट नेम दिखेगा वहाँ पर आप लोग उसको डबल क्लिक करोगे और एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसके थ्रू आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हो कोई भी मैसेज भेज सकते हो कोई भी फाइल को शेयर कर सकते हो या फिर कोई भी आपके इमेजेस है कोई भी वीडियोज़ है वो भी आप लोग वहाँ पर शेयर कर सकते हो नाउ वी लुक लर्न देर आर सम जनरल रूल्स एंड एटिकेट्स टू बी फॉलोड वाइल चैटिंग देर आर ऑलमोस्ट द सेम एज दो दैट अप्लाई फॉर ई मेल्स अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम लोग जब भी चैट करते हैं कम्युनिकेशन करते है, दूसरे पर्सन के साथ या फिर ईमेल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं विथ अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई भी बातचीत करते हैं या फिर कोई भी ऐसे पर्सन से हम लोग बातचीत करते हैं तो हम लोग कौन कौन से रूल्स यहाँ पर ध्यान में रखेंगे फर्स्ट रूल मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट यानी कि मैसेज पूरा लंबा नहीं होना चाहिए आपको जो भी बताना है वो शॉर्ट में बताओ और क्लियरली बताओ कि मुझे ये मैसेज में ये आपको बताना है इसके बारे में ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाई नेम इफ़ योर स्क्रीन नेम डज नॉट रिफ्लेक्ट इट पहले सभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करो अगर आपका नेम अपने आपकी स्क्रीन पर ना दिखाई दे तो वरना उस पर्सन को पता नहीं चलेगा कि आप कौन हो कहाँ से बातचीत कर रहे हो किसके बारे में बातचीत करना चाहते हो उसको कभी भी पता चलेगा नहीं ऑलवेज आस्क इफ ददर पर्सन हैज़ टाइम टू चेट फर्स्ट regardless of how important you think, what you have to say is and it is not going to be well received, if the receptionist is busy. Yes, mm -hmm. पहले सभी आप लोग दूसरे अगर किसी के साथ चैट करना है तो उसको पहले पूछ लो कि वो पर्सन सामने वाला पर्सन फ्री है आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपको जो भी बोलना है वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है किस तरीके से बोलना है क्या मैं बोलूँगा क्या लिखूँगा वो बट उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सामने वाला पर्सन बिजी तो नहीं है ना अगर बिजी है तो आपको उस टाइम उसके उसके आंसर का यानी कि उसको वेट करना पड़ेगा इन अ बिजनेस एन्वायरमेंट नो एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट टू डिस्कस अगर बिजनेस के रिलेटेड अगर कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो आप लोग तो आप लोगों को जानना जरूरी है कि आपको आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या डिस्कस करना है किसके रिलेटेड डिस्कस करना है वो सभी चीज़ें टाइपिंग योर मैसेज इन अपर केस इज एक्सट्रीमली रूड इट इज़ कंसिडर्ड शाउटिंग एंड वेरी अग्रेसिव अगर आप लोग कम्युनिकेशन करते हो सामने वाले पर्सन के साथ तो कभी भी कैपिटल में टाइपिंग मत किया करो वरना उसको लगेगा कि आप लोग उसके ऊपर शाउटिंग कर रहे हो गुस्सा हो रहे हो वेरी अग्रेसिव रूडली बात कर रहे हो आप लोग सामने वाले पर्सन के साथ गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड मल्टीपल क्वेश्चन सेंड टू अ अपनिस्ट बिफोर दे हैव हैड अ चांस टू आंसर कैन सीम मोर लाइक एन इंट्रोगेशन रादर देन अ कन्वर्जेशन यस कि हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि जब तक हमको सामने वाले पर एक साथ कई सारे मैसेज सामने वाले पर्सन को सेंड कर देते हैं जैसे कि धड़ाधड़ मैसेज आपको सामने आ जाते हैं यस बट नाउ सामने वाले पर्सन को उस मैसेज को देखने के लिए टाइम दो ताकि आपको रिस्पॉन्स मिल सके अगर आप लोगों ने मैसेज हाई करके भेजा है जब तक उसका रिप्लाई नहीं आए तब तक दूसरा मैसेज सेंड मत करो यस yes, अगर मैसेज रिप्लाई आ जाता है तो यू कैन गिव द नेक्स्ट वन सेंड द मैसेज ताकि आप लोग उस मैसेज को सामने वाला पर्सन पढ़ सके और उसको क्या आंसर देना है वो भी उसको आराम से बता सके इसलिए वेर एवर पॉसिबल गिव द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर अनडिवाइडेड अटेंशन It is not just a sign to respect, but if you have multiple conversation happening or are allowing other issue to distract you, you may miss an important point in the other person's messages or lose the gist of the conversation. <laughs> अगर आप लोग किसी person के साथ communication कर रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले person ने पूरा में, पूरा message conversation जो था हमारा वो read ही नहीं किया। एक साथ आप लोग कई सारे message send कर दिए जो मेरा मेन टॉपिक था वो बीच में मैसेज में आ गया लेकिन वो उसने रीड ही नहीं किया डायरेक्ट वो नेक्स्ट यानी कि लास्ट मैसेज में आ गया तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैं किसके बारे में मिस, कौन सी बात के लिए मैं आपको कन्वर्जेशन कर रहा हूँ क्या बताना चाहता हूँ तो वो पूरी बात आपके समझ में आएगी नहीं और आपको क्या लगेगा ऐसा कि मैंने जो भी इश्यू यानी कि आपके कम्युनिकेशन में इश्यू बढ़ जाएंगे कि उसको पता नहीं चलेगा आप क्या बताना चाहते हो और आपको ये लगे कि मैंने तो ये पूरा बता दिया लेकिन सामने वाले पर्सन को ये चीज़ पता चलेगी नहीं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रॉपरली एंड एन आई एम कन्वर्जेशन यू मे थिंक द चैट इज़ ओवर बट द अदर पर्सन मे नॉट वाइल यू आर ऑफ डूइंग अदर थिंग्स दे मे बी सिटिंग देयर स्टेयरिंग एट द स्क्रीन वेटिंग फॉर फर्दर कम्युनिकेशन फ्रॉम यू यस कि हम हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी अगर मैसेज प्रॉपर्ली हम लोग सेंड करते हैं कोई भी इंस्टा मैसेजिंग कन्वर्जेशन में थ्रू तो तुरंत ही चैट एंड हो गया ऐसा मत समझो सामने वाला पर्सन कोई भी मैसेज का रिप्लाई देना चाहता है लेकिन वो सोच रहा है क्या दूँ कैसे दूँ तो थोड़ी देर आप वेट करो अगर रिप्लाई नहीं आता है तो आप लोग ऑफलाइन हो सकते हो बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग ऑफलाइन होना चाहते हो लेकिन सामने वाला पर्सन कोई भी टाइपिंग कर रहा है लेकिन ज़्यादा टाइम लगने की वजह से आपको ऐसा लगे कि वो टाइपिंग ऐसे ही कर रहा है लेकिन एक्चुअली वो मैसेज बड़ा है या फिर जो भी बताना चाहते हैं वो कन्वर्जेशन बड़ा है तो उसको लिखने में टाइम में टाइम ज़्यादा लगेगा सो दैट विल बी स्क्रीन ऑफ करने से पहले आप लोग ये सोचो कि वो कुछ नहीं लिखना है तो थोड़ी देर वेट करके आप लोग अपना कम्युनिकेशन ओवर कर सकते हो सो दिस इज डन फॉर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियरली थैंक यू